उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली, इसलिए इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस का एजेंडा है कि वो सरकार में आने के बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे। क्या आप ऐसा करने देंगे? अब किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके? ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीएए कानून रद्द कर देंगे। क्या ये देश उनको करने देगा? और अगर करने जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी, उनको पता है क्या? अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के तीन अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे हैं, एक साल एक पीएम, ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं। अगर पांच साल मौका मिले तो पांच प्रधानमंत्री। अब इनको इसकी आदत हो गई। कर्नाटका में भी अभी सरकार बनी, उनकी पार्टी, उनका विजय, फॉर्मूला क्या? ढाई साल एक मुख्यमंत्री, ढाई साल के बाद जो डेप्यूटी सीएम है वो मुख्यमंत्री। ये खेल खेल रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला बनाई थी, ढाई साल एक मुख्यमंत्री, दूसरे ढाई साल दूसरा मुख्यमंत्री। उन्होंने राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, एक ढाई साल एक मुख्यमंत्री, दूसरे ढाई साल। और हुआ क्या? ये फॉर्मूला निकालने वाले लोग पांच साल में पांच प्रधानमंत्री देश पर थोपने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है। और इसलिए ये लोग देश पर गुस्सा उतार रहे हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग क्या भाषण कर रहे हैं? दक्षिण भारत को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अहद पेशावर, अहद पेशावर तहत तंजावर, हिंद भी स्वराज। ये गोसराज जिस धरती पर हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, क्या कभी भी कांग्रेस के ऐसे एजेंडे को स्वीकार करेगी क्या?